हाय दोस्तों, रिसेंटली मैंने हाइड्रा फेशियल के बारे में बहुत सुना, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट आउट, लेकिन ऑफकोर्स मुझे किसी गलत जगह पे ट्राई नहीं करना था, इसलिए मैं वापस से पहुंच चुकी हूँ अपने फेवरेट सैलून इन लखनऊ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सैलून और मैं इन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इनके सर्विसेज लिए हैं। चलिए अंदर चलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। यहाँ पे साउंड बहुत है। मेरा नाम रंजना सिंह है। मैं आपको अभी ये मैम आई है, इनका हाइड्रा फेशियल करना है। हाइड्रा फेशियल के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। हाइड्रा फेशियल कभी भी किसी भी जगह से नहीं करवाना चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल जहाँ पे होता है वहीं पे करवाना चाहिए, क्योंकि उसके फिर कहीं से भी करा लेने से नुकसान भी होता है, स्किन डैमेज हो जाती है। और हाइड्रा फेशियल कराने से क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। हाइड्रा फेशियल कराने से स्किन हाइड्रेट होती है, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, और स्किन जो रिंकल्स होते हैं यहाँ आईलिड, अरे आईब्रो के नीचे जो स्किन लूज हो जाती है वो टाइट होती है, यहाँ हमारी ये इंप्रेशन लाइंस जो बन जाती है उसको करेक्ट की जाती है, और जो भी पोर्स ओपन हो जाते हैं पोर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और मैम, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। पहले तो आपके लिए आना स्टूडियो के बारे में, आपने कब स्टार्ट किया था? 5 years हो गए। फाइनली आई एम डन एंड मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है, बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहा है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, मुझे इधर इधर तो पिंकिश ग्लो लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। राइट, सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये था, मुझे बहुत टेंशन था क्यों मैं पार्लर नहीं जा पा रही थी नॉर्मली, क्योंकि इसको कौन संभालेगा, लेकिन मैम ने ना एक छोटा बहुत क्रेश चला रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे संभालने के लिए भी लोग हैं, और लिटरली इसको संभाल के क्या सुला दिया प्रॉपर। तो चलते हैं भैया बैक मैम के साथ, बात करते हैं यहाँ के और सर्विसेज के बारे में, बिकॉज लेना में सिर्फ हाइड्रा फेशियल ही नहीं या सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट ही नहीं, और बहुत सारे और भी यू नो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये, तो पहले उसके बारे में जानते हैं फिर आगे बात करें। ओके, सो मैम आप यहाँ पे और कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल हैं फेशियल एंड हेयर को छोड़ के? यहाँ पे आईलैस एक्सटेंशन, ये हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, ये सारे भी जितने भी एडवांस आजकल सैलून में चल रहा है सारा फैसिलिटी उपलब्ध है। और नेल एक्सटेंशन में क्या आपके पास जेल वाला भी है? हाँ, जेल भी है, एक्रेलिक है, लखनऊ में ज्यादा नहीं है जेल वाला, जेल एक्सटेंशन, एक्रेलिक और पॉली जेल सारे हैं। ओ कूल। तो और ये जो हाइड्रा फेशियल वाला जो मशीन हमने देखा अभी, वो कैसे काम करते हैं, क्या वो किसी को भी मिल सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर परमिशन चाहिए? नहीं, उसके लिए एक्सपर्ट को ही देते हैं, जो वो पूरा कोर्स करके आया हो, उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जिसको, वही कर सकते हैं। ऐसे नए के हाथ में देंगे फिर स्किन पर रैशेज भी पड़ने का डर रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है स्किन में। Okay. इसलिए मैं खुद करती हूँ। हाँ, वही इसीलिए मैंने पूछा। और इससे क्या नुकसान हो सकता है, अगर मान लो किसी गलत जगह पे किसी मतलब बोलते हैं ना नॉन एक्सपर्टीज लोग से कराया, तो क्या नुकसान हो सकता है? स्किन में रैसेज आ सकते हैं, रिंकल्स हटाने के लिए हम करते हैं तो रिंकल्स पड़ सकते हैं अगर गलत डायरेक्शन में उसको यूज किया। ये सब बातें तो हो गई। मैम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वैसे होली आ रही है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऑफर चला रही है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में मिलेंगे जो आपको लखनऊ में और किसी पार्लर में नहीं मिलेंगे। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, कम हियर, आस्क फॉर योरसेल्फ, आपको प्राइसेस वगैरह सब पता चल जाएगा यहाँ पे, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आपको यहाँ पे एकदम A1 क्लास की सर्विस मिलेगी और बिल्कुल बजटेड रेट में। सो डू विजिट लियाना मेकअप स्टूडियो एंड सैलून। थैंक यू।